मैं सपना मित्तल आज आपको कक्षा 12 का हेरिडिटी मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुँचना आनुवंशिकता कहलाता है या हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी मटीरियल किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने का कार्य करता है उसे हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं या आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। अब ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसके संबंध में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके बाद सिद्ध हुआ कि जो डीएनए है वही माता पिता के लक्षणों को संतान में लेके जाता है। डीएनए का पूरा नाम है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? फ्रेडरिक माइसर ने। किसने बताया आपके? फ्रेडरिक माइसर ने किसमें देखा? पस कोशिकाओं में देखा। जब इन्होंने इसकी संरचना का अध्ययन किया इसमें सल्फर बिल्कुल नहीं था, बहुत अधिक मात्रा में इन्हें क्या दिखाई दिया? फॉस्फोरस। जिससे इन्होंने अनुमान लगाया कि यह प्रोटीन नहीं है, इसका मतलब ये कुछ अन्य पदार्थ है, जिसको इन्होंने किसका नाम दिया? न्यूक्लिन का नाम दिया। न्यूक्लिन का नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्हें कहाँ से मिला था? न्यूक्लियस से, केंद्रक से मिला था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लिन। किंतु बाद में अल्टमान ने इसकी एसिडिक नेचर के कारण इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक अम्ल। अब जो न्यूक्लिक अम्ल है सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के। आपने सुना भी होगा पहले डीएनए व आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जो आपकी सेल्स हैं मुख्यतः जो सेल में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है वो डीएनए करता है, पर वे कोशिकाएं जिनमें डीएनए नहीं होता उन कोशिकाओं में आरएनए भी आनुवंशिक जो आपके आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर सकता है। पर आज हम किसके बारे में जानने जा रहे हैं? सबसे पहले डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। अब डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है? एक वृहत अणु है, एक पॉलीमर है। यह प्रोटीन से भी बड़ा होता है। पॉलीमर मींस यह बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीमर है, बहुलक है, इसकी एक मोनोमर यूनिट क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो इसमें तीन भाग होते हैं, बीएसपी, बेस शुगर फॉस्फेट। बेस कौन से? नाइट्रोजन बेस शुगर, पेंटोज शुगर, और क्या पाया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट कह देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। जो बेस है नाइट्रोजन बेस, ये मैं इसकी आपको कौन से स्ट्रक्चर बता रही हूँ? केमिकल नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं इसमें, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। जो आपके प्यूरिन्स हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एडिनिन और गवानिन। पायरिमिडिन्स भी टू टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। जैसे यहाँ दिखाया है जो डीएनए है उसमें कौन कौन से हैं आपके? एडिनिन है, गवानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन। एडिनिन और गवानिन क्या है? इनके स्ट्रक्चर देखो सेम है। ये दोनों क्या है आपका? प्यूरिन्स है। एंड देन जो आपके पायरिमिडिन्स हैं उनमें स्ट्रक्चर लगभग समान है, कुछ ग्रुप्स का अंतर है। ये क्या है आपके? पायरिमिडिन्स हैं। ठीक है, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शर्करा बनाते हैं। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन रहता है यहाँ CH2। जो आपके नाइट्रोजन बेस है जैसे आपका एडिनिन ही जोड़ते हैं, एडिनिन कहाँ जुड़ा रहता है? कार्बन, पहले कार्बन पे हमेशा। और कौन से बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा रहता है? एन
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, पहले कार्बन पे जुड़ेगा और एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ेगा, ठीक। जो आपका तो आप यहाँ पर क्या हो गया, शुगर भी आ गया, बेस भी आ गया, क्या रह गया, फॉस्फेट। फॉस्फेट हमेशा कौन से कार्बन से जुड़ता है, पांचवें कार्बन से जुड़ता है, कौन सा आपका फॉस्फेट ग्रुप, और कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, फॉस्फो डाई एस्टर, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड द्वारा क्या जुड़ेगा आपका, फॉस्फेट। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है आपका, बेस शुगर फॉस्फेट। अब मैंने आपको पहले बताया इसमें जो शुगर है वो पेंटोज शुगर है, पेंटोज पांच कार्बन वाली जैसे मैंने आपको बना के दिखा दी, पर पेंटोज के साथ साथ इसमें कौन सी है, डी ऑक्सी राइबोज, जैसे नाम लिखा गया है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा है। पांच कार्बन वाली भी कौन सी है, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा है। डी ऑक्सी राइबोज में हमेशा क्या होता है, दूसरे कार्बन पर एच, एच मीन्स सी एच टू, यहाँ पर H ग्रुप होता है। अगर यहाँ पर एच ओ एच होता तो ये कौन सी शर्करा हो जाती, राइबोज शर्करा हो जाती है, जो किस में पाई जाती है आपके आरएनए में। आरएनए में और डीएनए में यदि डिफरेंस करें तो पहला डिफरेंस यही होता है कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और उसमें राइबोज शर्करा होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हो गई। अब बेस कितने प्रकार के बताए मैंने, चार प्रकार के, एडिनिन गवानिन साइटोसिन थाइमिन। ऐसे ही दूसरे अगर न्यूक्लियोटाइड हम बनाते हैं यहीं पर सेम, बस नाइट्रोजन बेस को चेंज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा कार्बन चौथा और पांचवा कार्बन आपका जिससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, फॉस्फोडाइस्टर। अब क्या रही हम कौन से जोड़ दें, गवानिन। ऐसे ही तीसरी, ऐसे ही चौथी, मींस जो डीएनए है उसमें कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हो गए, फिर चार प्रकार के, ठीक है। जो ये न्यूक्लियोटाइड बना है इसका नाम हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबो। कौन सा एसिड है इसमें, कौन सा है, एडिनिन है, तो हम इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबो एडिनिलिक अम्ल। ऐसे ही इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबो गवानिलिक अम्ल, इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबो, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे जी की जगह सी, ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तो डी ऑक्सी राइबो साइटोडिलिक अम्ल। अगर टी जुड़ जाता है डी ऑक्सी राइबो थाइमिडिलिक अम्ल। तो डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, किसके कारण, नाइट्रोजन ग्रुप्स के कारण। जो नाइट्रोजन समूह है वो नाइट्रोजन बेस है, वो कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के हैं। एक टर्म आती है, ये तो क्या टर्म है, न्यूक्लियोटाइड। एक टर्म आती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस एग्जाम में लिखने के लिए आता है आपका, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में केवल एक डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड में बेस होते हैं और शुगर होती है, फॉस्फेट नहीं पाया जाता, मीन्स फॉस्फेट क्या है, एब्सेंट है। अगर हमने केवल बेस और शुगर जुड़ा है तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर हम न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, जैसे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट को अलग से जोड़ दिया तो हमने क्या बोला है, ये न्यूक्लियोटाइड ही बोला है। अब आगे जब आप डुप्लीकेशन पढ़ेंगे तो बार बार जो टर्म यूज़ होगी वो न्यूक्लियोटाइड यूज़ नहीं होगी, क्या होगी, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड का ही एक दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फॉस्फेट को क्या कर दिया, अलग से जोड़ दिया, ठीक है। तो डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हो गए, चार प्रकार के। अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं, ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, बहुलीकरण। बहुलीकरण कहते हैं या इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। हमेशा जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक ये है, इनको आपस में क्या होता है, जुड़ना है। बहुलीकरण में या पॉलीमराइजेशन में हमेशा क्या होता है, जो मोनोमर्स यूनिट हैं वो आपस में क्या होती जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन पर जुड़ता है, यहाँ जुड़ेगा, और कौन से ग्रुप की सहायता से जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप की सहायता से जुड़ेगा, ठीक। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, अगर फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर ही होगा, फॉस्फोडाइएस्टर। तो एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चल जाते हैं,
पहली न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन किससे जुड़ता है? फॉस्फेट से। अब इसका तीसरा कार्बन फिर फ्री है तो दूसरी जुड़ जाएगी, सेम वही पहले फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगी, ये इससे जुड़ा है, ये हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ये आपके यदि हमने कौन सा जोड़ दिया, एस सी और टी जुड़ा है, तो हमने कोई सा भी, इनका क्रम निश्चित नहीं होता, ये किसी भी क्रम में जुड़ सकती हैं, कभी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, किसी भी क्रम में जुड़ सकती हैं, क्योंकि इसी कारण सभी व्यक्तियों का डीएनए समान नहीं होता, क्योंकि इनके जुड़ने का क्रम सब में कैसा है, अलग अलग है, इसलिए सभी के डीएनए में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, संरचना में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, तो नया न्यूक्लियोटाइड मैंने फिर जोड़ दिया कौन से कार्बन पे, कौन से कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, तो ये चेन बनती चल जाएगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड, कई हजार न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक क्रम में जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं। इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारी, न्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर यूनिट्स हैं, चेन मतलब श्रृंखला, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स की क्या बन जाती है, चेन बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। ठीक, दूसरी बात, हमेशा क्या होता है आपका जो नाइट्रोजन बेस है वो चेन के निर्माण में भाग नहीं लेते, बाहर की तरफ है, केवल शर्करा और फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट ऐसे ही जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, क्या बन गई है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या बनी है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हैं। ठीक है, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के निर्माण में कौन कौन भाग लेता है, बेस, नाइट्रोजन बेस और शुगर। ये एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बैकबोन रीढ़ कौन बनाता है, तो रीढ़ किससे बनती है, केवल शर्करा से बनती है और नाइट्रोजन बेस से बनती है, सॉरी शुगर से बनती है, नाइट्रोजन बेस इसमें सहायता नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारी डीएनए क्या है, क्या है, कौन सी संरचना है, केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना है। अब हम आते हैं डीएनए की आणविक संरचना पर, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल। डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल किसने प्रस्तुत किया, वॉटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन एवं क्रिक ने क्या बताया कि जो आपका डीएनए है वो कैसा है, आपका एक द्विकुंडलिनी संरचना है, मींस टू हेलिक्स से मिलकर बना है, दो श्रृंखलाएं, ऐसी एक श्रृंखला नहीं है, एक चेन नहीं है, ऐसी दो श्रृंखलाएं हैं, ये जो श्रृंखलाएं हैं वो इससे बनी है। ठीक है, ऐसी एक श्रृंखला नहीं है, ऐसी कितनी श्रृंखलाएं हैं, दो श्रृंखलाएं हैं, और ये श्रृंखलाएं एक दूसरे पर सर्पिला कारकर्म में लिपटी हुई हैं। ठीक है, इन अगर हम इन श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं तो श्रृंखलाओं में क्या होता है आपका, सर्पिला कारकर्म में लिपटी हुई है डीएनए, ये डीएनए का मॉडल दिखाया गया है, इसमें दोनों चेन कैसे लिपटी हैं, सर्पिला कारकर्म में, और दोनों श्रृंखलाएं किसकी सहायता से आपस में जुड़ी हैं, नाइट्रोजन बेस की सहायता से आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, तो एक श्रृंखला की दिशा होती है 5'-3' और दूसरे की होती है 3'-5'। अब ये 5'-3' या 3'-5' क्या है कि इनमें जो श्रृंखला है इसका कौन सा कार्बन ऊपर है, पांचवा, और कौन सा कार्बन नीचे है, तीसरा, तो ये वाली श्रृंखला ये है 5'-3'। ठीक है, अब अगर मैं इसके सामने दूसरी श्रृंखला रखती हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ रखी एक श्रृंखला, तो उसका नाइट्रोजन बेस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये आपस में नहीं जुड़ पाएंगी, इसलिए जो दूसरी श्रृंखला होता है वह उसके न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं कि नाइट्रोजन बेस आमने सामने आ जाए, कैसे कि दूसरी न्यूक्लियोटाइड कैसी लगी होगी, उल्टा लगी होगी, बना दो उल्टा, इसका कौन सा कार्बन है, ये इसका पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
और ये कौन सा हो जाएगा पांचवा, फोर फाइव, ठीक है। तो इसका तीसरा कार्बन कहाँ गया ऊपर और पांचवा कार्बन कहाँ गया नीचे, और नाइट्रोजन बेस कहाँ गए आमने सामने आ गए। नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से आपस में क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं। तो एक श्रृंखला की दिशा मैंने इसलिए क्या दिखाई है, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, दूसरी श्रृंखला की दिशा मैंने आपको दिखाई है कौन सी, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम दिखाई है। अब ये दोनों श्रृंखलाएं मैंने अभी आपको बताया है किससे मिलकर बनी है, शुगर और फॉस्फेट से। तो लिख लेते हैं शुगर और फॉस्फेट इस पर भी। पहले क्या है, सपोज ये शुगर किससे जुड़ी है, फॉस्फेट से, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस किससे जुड़े हैं, शुगर से जुड़े हैं, जैसे ए जुड़ा है, फिर दूसरे शुगर से टी जुड़ा है, तीसरे शुगर से जी जुड़ा है, इस तरह से जुड़े रहते हैं। दूसरी श्रृंखला में भी पहले क्या होगा, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, इस तरह से रहता है। हमेशा क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस एडिनिन है वो हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमीन से जुड़ता है। थाइमीन, थाइमीन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, जैसे ये दिखाया गया है। ये क्या है, ये थाइमीन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थाइमीन, देखो थाइमीन के लिए ग्रीन सिंबल दिखाया है और एडिनिन के लिए रेड सिंबल। आप ध्यान से अगर डायग्राम को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, जहाँ पर ग्रीन है वहीं रेड जुड़ा है। मींस हमेशा क्या हुआ है कि जो आपका थाइमीन है वो हमेशा किससे जुड़ा है, एडिनिन से, या हमेशा जो एडिनिन है वो हमेशा किससे जुड़ा है, थाइमीन से जुड़ा है। और इनके बीच में हमेशा कैसे बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ऐसे ही आपका यदि क्या है, थाइमीन है, थाइमीन हमेशा, सॉरी गवानीन है, गवानीन हमेशा किससे जुड़ता है, साइटोसिन से, या हम कह सकते हैं साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है, गवानीन से। साइटोसिन और गवानीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, जो गवानीन है वो पर्पल कलर से, और जो आपका साइटोसिन है वो किससे दिखाया गया है, स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो एडिनिन, गवानीन और साइटोसिन को देखो, है ना, हमेशा क्या हुआ है, गवानीन, ये पर्पल वाला क्या है, गवानीन, और क्या है ये, साइटोसिन। हमेशा गवानीन किससे जुड़ा है, साइटोसिन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ऐसे ही अगर ये भी गवानीन दिखाया है, ये भी साइटोसिन, इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो दोनों श्रृंखलाएं नाइट्रोजन बेस की सहायता से क्या है, जुड़ी हैं, एडिनिन थाइमीन से और गवानीन साइटोसिन से। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट क्या आता है, जो श्रृंखलाएं सर्पिलाकार क्रम में लिपटी हुई हैं, श्रृंखला का निर्माण बेस और शुगर से हुआ है, श्रृंखला आपस में नाइट्रोजन बेस की सहायता से जुड़ती हैं। ये सब विशेषताएं मैं किसकी बता रही हूँ आपको, वॉटसन क्रिक के मॉडल की, जिसका नाम है डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल। तो ये क्या है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है या द्विकुंडलिनी मॉडल है, ये एग्जाम में अधिकतर आता है, ठीक। अब क्या होता है, जो दोनों श्रृंखलाएं, नेक्स्ट विशेषता क्या बताइए करेक्टर इसका, कि दोनों श्रृंखलाओं की दूरी हमेशा कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और पूरे एक चक्कर की दूरी, जो पूरा एक टर्न लेती है ये, इस पूरे एक चक्कर की दूरी कितनी होती है आपकी, ये पूरा एक जब टर्न लेगी इसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ए से क्या जुड़ा है, टी, टी से क्या जुड़ा है, ए, जी से क्या जुड़ा है, सी, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके बीच में क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो करीबन एक पूरे चक्कर में कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, 10, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं, 10। इनकी संख्या इससे ज़्यादा और कम भी है, जिसके आधार पर डीएनए के क्या हैं, प्रकार हैं। जो आपका डीएनए है वो पांच प्रकार का है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। जो आपका ए डीएनए है, जो आपका ए डीएनए है,
ADNA, पांच प्रकार के DNA होते हैं, ADNA, BDNA. BDNA की स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ इस समय, ये क्या बनाया मैंने, BDNA. BDNA में एक चक्कर में न्यूक्लियोटाइड्स में संख्या कितनी बताइए, 10. ठीक है, तो ADNA में कितनी है, 11. CDNA में कितनी है, 9. DDNA में कितनी है, 8. हर चक्कर में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बता रहे हैं. और जो आपका ZDNA है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है, 12 होती है. ठीक है, कितनी होती है, 12. तो जो आपका वॉटसन क्रिक ने मॉडल दिया वो कौन से डीएनए का प्रस्तुत किया, BDNA का. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वॉटसन क्रिक ने किस डीएनए की किस संरचना का वर्णन किया, तो कौन सा डीएनए का दिया है, BDNA का. BDNA में क्योंकि एक चक्कर में कितनी न्यूक्लियोटाइड्स बताई मैंने आपको, 10. ठीक है, पूरे चक्कर की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, जिस कारण क्या होती है, एक चक्कर में कितने होते हैं आपके, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. अब इन्होंने कहा जब शुगर फॉस्फेट से जुड़ता है, ये शुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, तो कौन सा बॉन्ड बताया था अभी, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर. नेक्स्ट पॉइंट, वॉटसन क्रिक ने बताया कि जो डीएनए है उसमें प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की मात्रा बराबर होती है. कैसे, आप देखो, हमेशा एडिनिन किससे जुड़ रहा है, थाइमिन से. एडिनिन किससे जुड़ रहा है, थाइमिन से. एडिनिन किससे जुड़ रहा है, थाइमिन से. एडिनिन क्या है, एक प्यूरीन क्षारक है. थाइमिन क्या है, एक पायरिमिडीन क्षारक है. ऐसे ही साइटोगवानिन क्या है, एक प्यूरीन क्षारक है. और साइटोसिन क्या है, एक पायरिमिडीन. अब अगर ये इससे जुड़ रहा है तो जितने एडिन, जितने ए होंगे उतने टी होंगे, इसके बराबर होंगे. ऐसे ही जितने सी हैं उतने ही जी होंगे. मींस जितने प्यूरीन्स होंगे, ए प्लस जी बराबर कितना हो गया, सी प्लस टी के बराबर होगा. मीन्स जितने प्यूरीन्स होंगे डीएनए में उतने ही पायरिमिडीन्स होते हैं. डीएनए में प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की मात्रा कैसी होती है, बराबर होती है, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होता. आरएनए में प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की मात्रा बराबर नहीं होती, क्योंकि आरएनए कैसे स्ट्रक्चर है, एक सिंगल हेलिकल. और डीएनए कैसे स्ट्रक्चर है आपकी, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. मीन्स द्विकुंडलिनी संरचना है जिसका निर्माण दो हेलिक्स से मिलकर हुआ है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, कि जो आपकी डीएनए हेलिक्स है, अगर इसके अर्धांश की बात कर रहे हैं तो बीच के दूरी कितनी होती है इसमें, भाई ये 20 है तो एक यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम होता है. ठीक है, कितना होगा, 10 एंगस्ट्रॉम होगा. तो ये सब विशेषताएँ किसकी हो गई हैं आपकी, डीएनए की. डीएनए की विशेषताएँ कौन किसकी हो गई हैं आपकी, वॉटसन क्रिक मॉडल. तो एग्जाम में जनरली पहले अलग अलग पूछा जाता है, अगर आपसे कहे कि रासायनिक संरचना लिखो डीएनए की तो आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपसे कहा जाए डीएनए की आणविक संरचना प्रस्तुत कीजिए या डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल प्रस्तुत कीजिए, तब आप ये वर्णन करेंगे कि डीएनए कैसा है आपका. डीएनए एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि वॉटसन क्रिक मॉडल की विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे, कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अर्थात दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनी है. दोनों श्रृंखलाएं सर्पिला आकार में एक दूसरे पर लिपटी रहती हैं. दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजन बेस की सहायता से जुड़ती हैं. नाइट्रोजन बेस चार प्रकार के होते हैं, एडिनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन. एडिनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा. साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है, गवानिन से. या गवानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है. दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम होती है, एक चक्कर की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, दो न्यूक्लियोटाइड्स की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है. जो आपका नाइट्रोजन बेस है वो शुगर से कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ता है. ऐसे ही आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शर्करा से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है. ये लगभग 10 से 12 विशेषताएं आप लिख सकते हैं किसकी, वॉटसन क्रिक मॉडल की.
ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, डीएनए की संरचना, डीएनए का मॉडल। थैंक यू।